अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने की खुशी में सोलन के धुंदन गांव में भी खुशी का माहौल देखा गया। वहां के मंदिरों से सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी गांववासियों में एक अलग ही उत्साह नजर आया। सभी भगवान राम के रंग में रंगे हुए नजर आए। भजन कीर्तनों से सारा क्षेत्र भगवान राम की भक्ति से सरोबार रहा। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह घी के दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी और उपस्थित भक्तों ने कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, जिसके चलते सभी क्षेत्रवासी बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि सुबह से ही मंदिरों में खूब भजन कीर्तन किए गए। 501 घी के दिए जलाकर भगवान राम के प्रति अपनी खुशी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक वर्ष भगवान राम का ये ऐतिहासिक दिन धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री राम। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज जो है वो प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सोलन जिले के धुंधन गांव में भी हमने एक छोटा सा राम मंदिर में महोत्सव मनाया है, जिसमें अखंड रामायण और 501 दीपों की माला और कुछ और भी रंग बिरंगी लड़ियों के साथ इसको हमने मनाया, तथा इसमें स्थानीय लोगों ने और बाहर से आए कुछ लोगों ने सहयोग दिया। और हमारी शुभकामनाएं हैं सबके लिए कि सब इस उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं और प्रभु श्री रामचंद्र सबको जो है वो आशीर्वाद दें। जय श्री राम। जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में मंदिर के शिलान्यास का शुभ आरंभ शुरू हो चुका है, और यह पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इसी पर्व को हम आज हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के धुंधन गांव में भी हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस पर्व को हर वर्ष इसी भांति बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा फैसला जो कि हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में सामने आया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम। जय गौ माता।